वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सिद्धू साहब, आप सोच रहे होंगे क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं कि भी सारे सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था, तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह। बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। थैंक यू भाई। बस करो यार, ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो? आपने जो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। मैं क्या बताऊँ, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, कुकर में दाल नहीं चढ़ानी क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। यस भैया। बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बना हूँ? एड्रेस कहाँ है किसी और से पूछो, यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी, आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में ही हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। देखिए बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं नहीं, नहीं बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो देखने आई। 1 करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं, मुझे अस्पताल दिखाइए। चलिए आइए, प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के साथ में पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ तंदुरुस्ती रहती है, तो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई MBBS देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना। जब फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो इससे क्या होता ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो कितने काम करते हैं, ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। हाँ सो आप कुछ ना कुछ निकलेगा, देखा निकला कि नहीं? मेरी बात किसी को बताई नहीं है, वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूं मैं। अरे आप गा लेती हैं भाई, वाह वाह, फिर आपको हम यहाँ से बिना गाए नहीं जाने देंगे, आपको गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। गाना तो आपको ये तो लाने ही पड़ेंगे। चलिए सुनाइए भी गाना। वाह 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 वाह, टू गुड यार, टू गुड। आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल?
एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर आ रहे हैं आपको जी? चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं? देखो अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? मतलब अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट, केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखिए दीजिए मुझे। Welcome to that pharmacist. मुझे मुझे केमिस्ट लग रहा है, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला बाटली वाला वैसे चाय वाला। तब चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई दवाई दो। अच्छा अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर दवाई में शक्कर? हाँ हाँ, इससे इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? दवाई की कड़वी होती ना तो कई पेशेंट खाते नहीं, कड़वी है नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डालोगे। लेकिन मैं जब दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार तो हो सकता है ना? बीमार है तो है तो हॉस्पिटल में, उधर ही ठीक कर। मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। टाइम वेस्ट कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाए। खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों को डॉक्टर बच्चा ही होगा ना? अच्छा तो मतलब कुत्ते को डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोल दी वैसे। देखिए कहना, बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं। आई नहीं लगाना, नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। वो तो ठीक है, ठोक दिया। कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MG हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो, देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर डॉक्टर बच्चा बच्चा भगवान भगवान ठीक होगा कि नहीं? शक ना करे, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, उनसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती है। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स से जेंट्स जेंट्स फेंकेगा, तो फेंकना फेंकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, लाइट चली जाती ना ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई देखा, डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है बेटे, बन के दिखाओ। ये बंद कर रहा है, क्यों क्यों ये क्यों क्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। पेशेंट मैं भी इतनी देर से सोचू कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई? हाँ।
बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए जी, हो नहीं रहते हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब क्या कवर किया, हमने सोचा था हम पकड़ेंगे। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाएंगे? पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना हैं। पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं असली डॉक्टर भी दो तीन बार पकड़ा जाए। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए सर्टिफिकेट लाइए मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो। बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई। चलो कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर सुबह शाम ये दो प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे, आप डॉक्टर की बीवी नहीं है, और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया बताइए क्या हुआ इनका? अरे देवी जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई थी, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे? नहीं नहीं गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था मुझे बेडरूम से मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बैठे बैठे इनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं नहीं मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब एक मिनट, ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना ठीक है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने कहा आ, 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 मुझे लगा राग अलाप रहे हैं तो मैंने भी शुरू कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भागो यहाँ से, इमरजेंसी हो तो आना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है? देखिए मैडम इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जीप पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर अटक जाएगा। अरे अरे भाई इतनी छोटी सी बीमारी का इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई देखो 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे है तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो अच्छा रहेगा। ओहो आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक कराने की ऐसे ही पूछ रही मजे लेने के लिए? अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस एक मिनट लेट मी चेक इनको, इधर पीछे बैठ जाइए, आइए आइए। अरे अरे फटाफट जाओ उधर। अरे अरे पिताजी हैं। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, जरा ये नहीं बचता। अरे ये क्यों लेके? अरे सुबह से खड़े हैं, पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था भाई। वाह मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा, आई रियली लाइक टू मीट यू, वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ एक सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? एक सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? एक घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं एक घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? माल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात है। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही है। देखिए भाई साहब इधर आइए, आप ना मोटा दिमाग ना लगाए अपना, अब पंखा बंद करते हो जब एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद, तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम कर रहे हैं यार, इसी बात कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आ रहा हूँ। अरे देखिए वो सांसें भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? दो दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है? अरे यार ये क्या कह रहे हैं आप, सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो? मुझे लगता है इनको
ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। सच्ची में हार्ट अटैक भाई। ओए चंदू आ जा, आ गया, आ गया, ऑक्सीजन ले के फटाफट ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ कौन देता है? इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार बार सवाल पूछ रहा है मोटूलाल? देखिए मैडम ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यही भी बनाते हैं, यही भी देते हैं, बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते हैं, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश कांग्रेचुलेशन। केमिस्ट चंदू हाँ जी जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके डन। 150 गुब्बारे और बुलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ ब्लड टेस्ट करना है, पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे आपकी जान चलेगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग आदमी बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अरे जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर आप अब बता रही हैं। चलिए ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो आप फटाफट कर दो। हाँ कीजिए कीजिए। कितने वाला एक्सरे करना है? कितने वाला क्या होता है, आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपूड़ी बना रहे हैं? हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है, हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे 250 रुपए का भी आता है, आपको अच्छा करके देंगे। अरे इतनी वैरायटी तो सारी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सरे में है। देखिए वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी बैड बट स्टिल आई एम गिविंग यू। देखिए जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग। जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है, और अगर आपका यूज में ना आए उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें, इट्स वेरी सिंपल। और जब ये एक्सपायर हो जाए आपके काम भी आ जाएगी फोटो। अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है, इससे ना पोल्यूशन नहीं होता। बहुत कमाल की चीज है आयुर्वेदिक एक्सरे, इको फ्रेंडली। अरे अरे एंजॉय करने आए इधर, बाप का ऑपरेशन थोड़ा हाथ बटाओ चलो। क्यों के? अरे बाप का ऑपरेशन नहीं तो बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा। बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या होगा, हेल्प तो करनी पड़ती कि नहीं? चलो सबरे थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ। ए देखो ECG करते जाओ तुम हाथ से ऐसे। हाँ ECG करते जाओ, ECG रिपोर्ट की तरफ। ए तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी ECG रुकी बाप चलाया जाएगा समझो। चलो 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 चलो। मैडम आप थोड़ी हेल्प करा दी ना बच्चे की, थोड़ा रैप टैप गा दीजिए, थक जाएगा वो। चलो ECG मशीन थक जाएगी। रैप टैप की रैप टैप मीठा थक सा रहा हूँ, आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ECG करने में? लेकिन मैं कैसे कर सकती? अरे मेरे पिताजी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छा अच्छा कनेक्शन ये। अरे भाई एक्सरे तैयार हो गया है। वाह सेम बनाया है। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब अब तो आप गए, अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335-340 सेक्शन के तहत अंतर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको। बड़ी चिंता, आपके पति है ये। डबल में शुर कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी करता हूँ। दुबे पानी का, एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ, आप भी साथ जाओ, पागल है कुछ और दे दो। पानी लेके आओ, पानी ऑक्सीजन। हाँ हाँ
भाई मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए? सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक का हुआ है। पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है? आप ही नहीं तो आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, लेकिन वो तो बूढ़े थे कि तो जवान है। हाँ तो दवाइयाँ का असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है। अरे पहले पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो ठीक तो है। क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? He's feeling nice. नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना, वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। दो चार दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। तेज मैडम, देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मान गए आपकी पार्क की नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए लाइए, मुझे जल्दी लेट हो रहा है, वेरिफिकेशन पेपर साइन कर दीजिए। यहाँ पे ये साइन कर दीजिए। लाइए बहुत अच्छे, आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। ये लीजिए। थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ। आपका काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ भी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा हाँ जी, बताइए क्या कर सकते हैं? आज हमारे बीच में वो आने वाली हैं जिनके लिए आपने कई दिनों से सोच के रखा था कि वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा, वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा। मैं सच में बुला रहा हूं उनको। तभी तेरी चेहरे पे ज्यादा चमक है आज। मेरे तो रहती भाजी, मैं आई कांट हेल्प इट ब्रो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बॉलीवुड की हसीना, द ब्यूटीफुल रैविशिंग रवीना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। I'm so excited, man. I know, तुम जप्पी मारने का चांस नहीं छोड़ते हो। नहीं, बीच बीच में करते रहेंगे, पांच पांच मिनट बाद। मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं चार्ज रहता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तारीफ कर लेने दे। नजर में शोखियां जिसकी अदाएं कमाल है, क्यों भाई, है कि नहीं है? है जुल्फ जैसे काली रात, गालों का रंग जैसे गुलाल है। अल्फाज नहीं है मेरे पास मोहतरमा, क्या तारीफ करूं। हुस्न, अदाकारी और इंसानियत का ऐसा मिश्रण है कि कमाल है, कमाल है यारो, धमाल है। सर वाकई में दिल छू गया ये आपके जो शायरी थी, क्योंकि मैंने देखा है सब हीरोइनों की आप खूबसूरती की तारीफ करते ही हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात आपने जो कही वो इंसानियत के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं मानता हूँ, जेन्युइनली मानता हूँ। तो रवीना आप सिद्धू जी के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए, ताकि वो भी इधर उधर ना देखें और हमारा भी दिल लगा रहे। जोरदार तालियां हो जाए रवीना के लिए। कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है, आप आई हैं तो मुझे पता था आप एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चलिए शायद मैं आपके लिए नहीं आई हूँ आज। Then for whom you, मतलब मैं आज अपने बच्चों की वजह से आई हूँ। ओके, तुम्हारी वजह से नहीं। रियली यू आर हर्टिंग मी? वेयर? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट यू आर हर्टिंग मी, यू आर पंक्चरिंग माय हार्ट। यार अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है ये, कहाँ सीखा पंक्चरिंग? आई नीड टू गेट माय, आई विल टेल यू लेटर। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रवीना के लिए, पहले जोरदार ताली होने, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। अब और जोर से होनी चाहिए। इन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। जैसे बड़ी सारी एक्ट्रेसेस होती है ना बाजी,
कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी जाती हैं। ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी तो जाती हैं, साथ में ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में छोड़ने के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ, विरासत, गुप्त, कुछ कुछ होता है, डर, आपने सारी फिल्में छोड़ी हैं आपने। तो जब ये कुछ कुछ होता हिट हो गई, आपको लगा नहीं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो कुछ कुछ गलत हो गया? नहीं, मैंने उस तौर पे मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की जरूरत है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। सो देन आई गेव द इंडस्ट्री रानी मुखर्जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अक्षय पाजी को छोड़ के बाकी सब एक्टर्स एक दो फिल्में साल की कर ही लेते हैं। हाँ। रवीना एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई इनकी। एक अकेला इंसान इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? आप अकेली थी या आपके अपनी कजन सिस्टर वगैरह को अपने जैसा मेकअप करके भेजा था? हाउ इट हैपेंड दैट उस समय देखो ये मेथड एक्टिंग वगैरह थी नहीं, रोल तो एक ही था, वो रिच ब्रैट, रिच फादर, गरीब लड़के से प्यार, सॉरी रिच गर्ल, गरीब लड़के से प्यार। तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था, एक्टिंग तो वही करनी थी। नहीं पापा, नहीं छोड़ दो इसे, इसे गोली मत मारो, मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी। अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनेयर से की है। वो निशाना था हमारा था। अच्छा, आपकी जो 9 फिल्में आई हैं 1994 में, आपको याद है वो 9 फिल्में? नहीं। कोई 6? नहीं। कोई 3? हाँ बताओ फटाफट। मोरा, हाँ, इम्तिहान, दिलवाले। ठीक है, मैं आपसे फटाफट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है? सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। अच्छा, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है, सलमान खान, सनी देओल या सुनील शेट्टी? सनी देओल। यार अगर कभी भी ग्राउंड पिच को लेवलिंग करनी है ना आपको, हाँ, स्टीम रोलर की जरूरत नहीं है, सनी देओल जी और मुझे बुला लीजिए डांस करने के लिए, हम लोग करने। अच्छा, आजकल जितने भी लड़के नए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है या शाहिद कपूर है, कौन आपको बेस्ट लगता है, हॉट कौन लगता है? या फिर एक और नया लड़का है, बड़ी ग्रेट ओपनिंग लगी थी, कपिल शर्मा। मैंने सुना एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था। अरे नो नो, इज अ वेरी स्वीट, ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी स्वीट, बट उस समय मैं उनको जानती नहीं थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप, तो वैसे भी सेट पे हम लोग गेस्ट अलाउ नहीं करते हैं दैट टाइम, बिकॉज इट्स यू नो थोड़े इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये वो थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट होता है। कैमरामैन तो होते हैं, कैमरा ऑन करके चले जाते हैं। आपका एक मिनट क्लोजअप दीजिए, अब मैं जो बोलूं वैसे आप कीजिए जी। आप जरा ऐसे कैमरा में ऐसे बैठिए, ओके, थोड़ी जबान निकालिए बाहर, आंखें फाड़िए, जबान और बाहर आनी चाहिए। रणवीर का ये एक्सप्रेशन था। पाजी, एक तो रवीना टंडन, ऊपर से बारिश में भीग रही हूं, तो कोई भी होता उसकी जुबान बाहर आ जाती। अच्छा, रवीना ने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स तो की हैं, बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं जिनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और हाल ही में इन्होंने एक और फिल्म की है मात्र। तो रवीना, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये किस इशू पे ऊपर है ये फिल्म? देखिए, वैसे फिल्में काफी ऑफर होती हैं, बट आई लाइक टू डू फिल्म्स व्हिच आर क्लोज टू माय हार्ट, जो जिस कॉज के लिए मैं बिलीव करती हूँ। एंड आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन हमारे देश में नहीं, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। तो ये फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेप्स दैट हैपेंड इन दिल्ली। रवीना, बहुत सारे सोशल काम जो हैं, बड़े सारे काम ऐसे करती रहती हैं, और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप जो फिल्म भी कर रही हैं ये भी एक बड़े अच्छे मैसेज के लिए कर रही हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारा देश बदलेगा, होप फॉर द बेस्ट। रवीना, आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? हाँ जी बिल्कुल, पिला दीजिए। यू लाइक टपरी की चाय? हाँ यार, वो थोड़ी कटिंग चाय पीते हैं मुंबई। मेरी तो है दुकान, आइए। अरे आपकी तो? हाँ हाँ, I have so many businesses, group of companies. आइए आइए प्लीज, आप बैठिए, विराजमान होइए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाता हूँ। बताइए आप कैसी चाय पीना पसंद करेंगी? थोड़ी मुंबईया टाइप कटिंग वाली, अदरक अदरक मार के थोड़ा। अदरक को क्यों मारना बेचारे को, क्यों, उसने क्या किया है? मैं अभी ऐसी चाय बनाऊंगा ना, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, बस एक बार पता चल जाए गैस कहाँ से चलती है।
आपने चोरी कर ली है या मैं बाद में आ जाऊं? रवीना टंडन जी मेरी दुकान पर आई है, मैं किसके मुंह लग रहा हूँ? क्या हाल है रवीना जी? बस बिल्कुल ठीक है, चाय पिलवा दीजिए। बढ़िया। अच्छा जी। वैसे ये आपकी दुकान है? जी बिल्कुल मेरी दुकान है। इन्होंने, अरे मैं तो ऐसे, इनके अरे... पास तो अपना पजामा नहीं है, दुकान कहाँ से आएगी? डैडी! डैडी! रवीना आंटी नमस्ते। नमस्ते बच्चे। प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलो। इस आदमी के पास अब मुझे नहीं रहना। इन्होंने मेरा सारा होमवर्क गलत कर दिया। टीचर ने पोएम लिखने को बोला था, इन्होंने कुछ और ही लिख दिया। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, चॉकलेट खाने से दांत होंगे बेकार। बेटे वो तो मैं बच्चों को मैसेज दे रहा था। बकवास ना करिए, अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाता पता, परसों इसको सिखा रहा था, लाल किला कहता मैंने बनाया। बच्चे को गलत मैसेज देता है। चलिए आइए, आपने वैसे भी बच्चे को काफी उटपटांग चीजें सिखाई। इधर आइए, इधर आइए, आप मुर्गा बनिए। चल मुर्गा बन। तू चाय बना, मुर्गा बन। हाथ नहीं जा रहे। देखो इसको मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तुम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करो, अभी इसका टाइम हो गया स्कूल जाने का, खजूर को छोड़ के चल। चलो बैग पकड़ो अपना बेटे, चलो आ जाओ, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश। ये देखो मुर्गा अपने चूजे को स्कूल छोड़ने जा रहा है। चलिए रवीना, अब आपका और हमारे दर्शकों का इंतजार खत्म करते हैं, और मैं अब जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो बाजी खतरनाक क्रिकेटर तो हैं, ऑलराउंडर है, लेकिन साथ में बड़े माइंड ब्लोइंग एंटरटेनर है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगा ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट इंडीज, मिस्टर ब्रावो। तुम किधर से रवीना? शी इज नॉट रवीना। लुक एट हर आर्म, सो मच पसीना, शी इज नॉट रवीना, शी इज रवीना। She's Ravina. Hi, nice to meet you. Welcome. Oh, nice. Welcome. Thank you very much. She just said to you that she's Ravina. Yeah, we met. She took me for a drive. We went for dinner and stuff. So I'm excited. You went for dinner. You ordered food for six. Yeah, I bought a food, all of us, we eat pizzas, pasta, everything. So. मैंने सब खाया. Actually, you know, bravo, she's not Ravina, she's that machine. You know, when it rains in the stadium, he sucks all the water from ground. Bravo, that's real Ravina, she's fake. नहीं नहीं, एक मिनट, ये फेक और रियल के बारे में बात करने वाले आप कौन होते हैं? आपके शो के सारे फेक को अगर रियल कर दिया जाए तो आपका तो हो गया फिर। Anyways, actually, my name is Bumper and I am a physiotherapy specialist. Dance dance करके आप काफी थक गए होंगे ना ब्रावो? मैं आपके लिए मसाज कर देती हूँ, एक मिनट आप आइए 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 आइए। Please sit, please Ravina ji. You come. Yeah, yeah, let me help you. This is massage, okay? Yep. Close your eyes and think you're in mountain. And actually the mountain is behind you. Okay, in the mountain, you're getting massage. ये क्या कर रही हो? Mountain में हवा चल रही है, तेज चलती है काफी. Okay. She's saying the wind is blowing, right? Yeah, wind is blowing in the mountain, okay? very good. ये क्या है? चिड़िया 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 birds. अच्छा, nature's music. ये क्या है?
ये खरगोश आया अभी, उसकी एंट्री हुई है। ये क्या है? ये कुछ बंदर आए हैं, उनको बड़ी भूख लग रही है। आपके पास कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स हो तो दे दीजिए। टेल हिम, एक्सप्लेन हिम नाउ। यू नो सम मंकीज हैव कम। Mountains, no mountains. So she's giving a massage with natural background music. Okay. Now the monkeys and the rabbits are having a fight. Hey bumper, क्या बदतमीजी कर रही? चल, get out. But you enjoyed your massage? Yes, yeah, very much. You want me to stay here for longer? No. Can he answer, please? I want the real Ravina. Is it possible? Or no, no. The real one. The real. No. Real Ravina is here, so okay, fine. You all carry on. Just figure it out what to do. Take your figure out. Okay. Nice meeting you. Okay, bye. Bye. Hey, so bravo, Ravina ji ke liye zordar taaliyan. Bravo, you know, before you arrived, Ravina was saying that he is your great friend. She is your great friend. Ravina, you want to say something to Bravo? Actually, first time she revealed her kids also. Before this, I never knew that Ravina is married. I didn't told Bravo also. क्या पता फिर मुकर जाता कि no, she is married. Why will I? You want to tell something to Bravo? Yeah, I think it's really kind of you to agree to be on our show, on this show, couples show. He's one of India's best that you have. You won't see anyone better than him. Oh, sweet. Thank you, Ravina. So, Bravo, first of all, congratulations. West Indies has won T20 World Cup, yep. T20 Women's World Cup, and Under-19 World Cup also. Tell me one thing, Bravo. What you will do with so many cups? Don't you want to win some plates also? I would like to, and some spoons as well. So, you want proper cutlery set? Yep. But really, hats off to you all, guys. You have done a great job. Bravo, after winning World Cup, how many days you did party? Party is still going on, every day. Still going on? It's still going on, every day. Every day is going. So you are a party animal, right? You yes, love sir. Doing parties. I love parties. I enjoy parties. So enjoy party with your friends only or some girlfriend types? Friends, girlfriends. Girlfriends. It means you have girlfriends. Girlfriends. I have girlfriend. She's here. Okay. Hi, girlfriend. Bravo, girlfriend. Welcome to our show. Bravo, can you please tell me her name? Regina Ramjit. Gina. Regina. Regina, welcome. Thank you. Regina, tell me one thing. When you first met him, So you already knew that he's a cricketer? Yes. So you are his fan first, then his girlfriend, right? I'm actually a fan of her because she didn't say she was a former Miss Barbados. Oh, great. So she's a beauty queen. It was the other way around. I was the fan of her, and I was the one that approached her. Oh! Acha, Ravina Bollywood se hain, aur Bravo jo hain, wo Bollywood ke fan hain. So, Bravo, I will ask you some questions related Bollywood. Which is your favorite movie from Bollywood? I will say I enjoy My Name Is Khan, I'm Not a Terrorist by Shah Rukh Khan. And which is your favorite actor? It's a tie between the two Khan, Salman and Shah Rukh Khan. So which is your favorite actress? That's very... I'm sitting right here. Miss Barbados! So I have... it's close, it's very close. But Deepika. Deepika. So actually, bro, it's a friendly request. Please, don't like Deepika much. Because I'm already in the queue. Okay. So I will teach you one Hindi song. Yep. Okay. So it's a Hindi song. It's very popular. मैं अब Bravo को एक Hindi गाना सिखाऊंगा. Bravo,
Have you ever tried Indian food? Last night I had mutton biryani. Mutton biryani? Yeah. And I also like my favorite, a big fan of chicken tikka. Okay. Okay. So, but I don't eat much spicy food. So I try. It's very spicy food in India actually. Yeah. That's why we don't use tissue paper. आग पकड़ लेते हैं ना? Because it's too much spicy, tissue can burn. Okay, I'm telling you one Indian dish which is my favorite. मेरा बैंगन का भरता मुझे बड़ा favorite है. बैंगन is a Indian vegetable. Brinjal. Brinjal. It's very fluffy like. And it has a reverse umbrella on his head. And I will tell you the recipe. How we will make bharta. Cook. Put the bangan on the gas. Burn the gas. Let it burn. Let it burn till the death. जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती ना, पहले जब उसको रखो ना बैंगन को गैस पे, तो बड़ा तना हुआ रहता है पूरी अपनी टोपी के साथ. जैसे जैसे आग लगती रहती ना, तो फिर ऐसे हो जाता गैस. सो आफ्टर दैट द फ्लेम, आग को फ्लेम कहते हैं ना, फ्लेम गेट बेड़ा गर्क ऑफ दैट सब्जी. ही इज रोलिंग डाउन ऑन द गैस. जस्ट क्या करते, इकट्ठा करना, कलेक्ट कलेक्ट द डेड बॉडी ऑफ एंड पुट सम ऑयल इन द कढ़ाई एंड पुट द रेस्ट ऑफ व्हाट एवर इज बच गया, जो भी रिमेन्स. इट इज भरता. अभी इतना मुश्किल बनाना नहीं जितना समझाना है. ओके रवीना, आप गोलगप्पे के शौकीन हैं? हाँ जी बॉडी. पानीपुरी? बिल्कुल. ओके ब्रावो. We will taste. क्या आपको खिलाएंगे, क्या बोलना है? आपको खिलाएंगे. Make you taste. We will make you taste पानी पूरी. It's little solid and little water. You have to eat together. Can we have the पानी पूरी for our guest, please? Don't make it so spicy. थोड़ा मिर्ची कम रखना. You taste a little first, okay? Bravo. पहली बार गोलगप्पा खा रहे हैं. जी. अच्छा, you have to eat in one innings only. एक ही बार में मतलब. No no no, very slow starter, slow starter. No no, but you, this is the क्या? Put it in and कराते कराते. This is the project, क्या बोलते हैं इसको? Project. क्या? नहीं नहीं, इसको खाने का procedure. This is the procedure to eat this पानी पूरी. You have to eat this in one flow. One flow. Come on, go for it. Is it good? Gotcha. You liked it? It's good. Pani pila do yaar, pani pila do. Apna ye kya? Are lo na please. Are ye kya hai? Are have na. Are tum ruko ruko. Shooting bhi karni chahiye thodi. Kal nahi aana tum. मेरी बात सुनो, तूने उसको कोई पैसे नहीं दिए, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या मतलब? फैन है अपना. ब्रावो. रवीना के बच्चे यहाँ पे हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन है, द ग्रेट फैन ऑफ योर्स, रणवीर वर्धन और राशा. प्लीज बेटा ऊपर आओ जरा. अच्छा, आपको डांस करना था ना? यू वॉन्ट टू डांस विद ब्रावो? Oh, I think me and my brother wanted to dance with Bravo. Okay, so then come, let's dance. Okay. So can we have the champion song? Thank you, bachcho. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Bravo ke liye aur zordar taali ho jaye yaar. Actually, I am going to ask you a few questions because there's so many fans of yours over here. Itne sare aapke yahan fans hain. Are you really friendly with the Indian team? Aapke kitne dost hain Indian team mein? Suresh Raina, MS Dhoni, Ravindra Jadeja, wow. Virat Kohli, all these guys.
what everybody wants to know. Kuch Hindi words aate hain aapko? Hindi words a little bit. Theek hai. Theek hai. Chalo chalo. Nahi nahi. Chalo chalo. Ji, inhone actually. I think you have cut a single like a track, half Hindi and half English. Yeah. English, yeah. Yes. Can yes, you tell us something about it? A year ago, I released a song called Chalo Chalo. In Hindi. You know, it's a English Hindi mix. Let's hear it. Let's hear it, man. Yeah. Really. The idea of this song, because I love India so much and I know India love me, is because I met this beautiful young lady in India a year ago. I wanted to take her back to my country in Trinidad and Tobago and introduce her to my culture. So it's just like... Superb, superb. Raveena, bravo. Aapke bahut sare fans hai yahan pe. There are so many fans of yours. And Raveena, want to talk to you. और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग कौन है जो बात करना चाहते हैं ब्रावो से रवीना से जी हेलो कपिल सर हेलो हेलो रवीना मैम हेलो ब्रावो हेलो मेरा क्वेश्चन ब्रावो से है जी ब्रावो आप इतने हस्तपुष्ट इतने लंबे चौड़े हो आप खाते क्या हो आप हमसे अपना डाइट शेयर करोगे दिस हंग्री मैन वॉन्ट टू आस्क यू दैट यू आर सो फिट एंड सो लॉन्ग टॉल व्हाट डू यू ईट व्हाट इज योर डाइट प्लान I think it's natural physique. It's in my genes. Honestly, I eat a lot of mangoes, a lot of fruits. But you don't know Hindi. How can you eat Indian mangoes? Oh, sorry. Aur mere koi dost. Hi, Bravo. Hi, everyone. Bravo, you're playing for Gujarat. So I just wanted to know one thing. You just play cricket for Gujarat or you've danced like Gujaratis dance? She's asking, do you know how to play dandiya? No, no, I don't know. Should I teach you how to play dandiya? Sure, no problem. So first time on Indian television, Mr. Bravo from West Indies is gonna play Dandiya. Okay. In sabke liye zordar Dandiya. Thank you, Bravo. Thank you so much, ma'am. Thank you, Shukriya. Nice to meet you. Aap match kar rahe hain saath. अरे वाह रवीना टंडन बैठी हुई हैं डीजे ब्रावो हाउ आर यू माई सेल्फ रिंकू देवी हिमसेल्फ सिद्धू जी हर सेल्फ मस्त मस्त गर्ल हिमसेल्फ सेल्फिश रवीना जी एक बात बताइए हाँ जी सारा दिन इतनी गर्मी होती है आप फिर भी इतना ताजा ताजा रहती हैं हम सुबह घर से गुलाब बन के निकलते हैं शाम तक कबाब बन जाते हैं देखिए आप इस समय बहुत दुखी लग रही हैं हाँ। यही कारण है कि आप कबाब बन जाती हैं दिल खुश होना चाहिए जब दिल खुश है तो फिर पूरी दुनिया खुश है हाँ। कैसे खुश हूँ माई हस्बैंड जो है वो हमको प्यार ही नहीं करते पता है हमको क्या कहते हैं हाँ. शाम को कहते हैं कि टिप टिप वर्षा पे डांस करके दिखाओ अब पानी आता है सिद्धू जी सुबह 6 से 8 तो शाम को कैसे टिप टिप पे डांस करें अरे ब्रावो बाकी बातें छोड़ो लीव एवरीथिंग माई सिस्टर इन लॉ ग्रेट फैन यू अभी बुलाते हैं संतोष नमस्कार रवीना जी नमस्ते नमस्ते WWF संतोष देवेन ब्रावो जी नमस्कार अरे पांव छुओ टच फीट प्रणाम क्या रिस्पेक्ट टच फीट
क्या हमारे संस्कार हैं इसलिए ऐसे रवीना जी थोड़ा हमारा रिश्ते का इनके साथ बात कर लीजिए ना, हमको अंग्रेजी भाषा आती नहीं है. He wants to get hooked with you. Do you like this stadium? Six months honeymoon she want to make with you. Santos Bravo हमारा नाम. रोक ही रही है. रो नहीं रही है, वो अपना नाक पहुंच रही है हमारी साड़ी से. हो गया हो गया. वैसे आप थोड़ा सा तमीज से बात कर लेंगे हमसे, हम इनकी होने वाली बीबी हैं. डू यू नो उन्होंने कहा हाँ बोला क्या तुम्हें? हाँ तो बोल देंगे. हाँ में क्या है, ऐसे ही बोल देंगे. देखिए देवन ब्रावो जी कहा है कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी, वन वी गेट मैरिड, उसके बाद हम आपके साथ वेस्ट इंडीज नहीं जा पाएंगे. आप यहाँ पे इंडिया में रह जाइए, आप बहुत फेमस है, आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी. और बाकी कोई ऐसा है नहीं, हम सिखा देंगे. बॉलीवुड का सब कुछ आता है हमें. आई विल टीच बॉलीवुड टू यू. आई विल टीच यू ऑल बॉलीवुड. यू टीच मी बॉलीवुड? यस. ठीक है. आई कांट मैरी यू बिकॉज ऑलरेडी टेकन हैव प्रिटी गर्लफ्रेंड देयर, सो आई कांट. शी गर्लफ्रेंड, आई वाइफ. ओ यू वाइफ. टू गर्लफ्रेंड, यू वाइफ. Your wife. And she is one, she is three. A better offer. Better offer, no problem. Buy one, get three. House. In the house. I can't marry you because already Tekan have pretty girlfriend there. So I can't. She girlfriend, I wife. Oh, your wife. Two girlfriends. Your wife. Your wife. Okay. And she is one, she is three. A better offer. Better offer, no problem. Buy one, get three. House. Hey! Kinder ho, kinder ho. Main to khushi mein pagal ho gayi hai. बहुत खुशी है, डीजे वाला ब्रावो हमारे दामाद जी बन गए. जीते रहो भाई, जीते रहो. जैसे प्रॉमिस किए हैं इन्हें जरा बॉलीवुड सिखा देते हैं. सिखा दे रहे, सिखा दे. अब तो तेरे हैं जो मत. सजा, हम तो पूरा तैयारी भी करके आए हैं. देखिए डांस करेंगे. देखिए देखिए, हम पूरा रेडी होके आए हैं आपके लिए. आप आइए हमारे साथ. हमारे दुपट्टे का लंगोट बना लिया तू. ए देखिए, अरे रुकिए तो. हम आपको तो जितेंद्र का डांस सिखाएंगे. कुछ नहीं करना, हाथ आगे कीजिए. हाथ के साथ आगे बढ़ जाइए. जस्ट वॉक इन फ्रंट विथ योर हैंड. गो. हे हे हे. देखिए कितना आसान है. एक बार जितेंद्र का म्यूजिक लगा दीजिए. सुपर. इतना खूबसूरती से किया है. एक जरा शाहरुख खान भी करवा दें. हाँ, शाहरुख खान का हम बता देते हैं दामाद जी को. एक मिनट एक मिनट, ये शाहरुख खान का स्टाइल सिखाएंगे हम. जरा काजोल बन के आते हैं. शाहरुख खान इज अ बिग एक्टर, वेरी फेमस. कमीना चंदन तो वर्क विद हिम. वेरी बिग बिग डायलॉग्स है बड़े बड़े शहरों में. यू डू दिस बड़े बड़े शहरों में. नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम हिम. बड़े बड़े शहरों में. बड़ा बड़ा शहर में. शाहरुख खान जी कंपटीशन आ गया है आपका यहाँ पे. बड़े बड़े शहरों में. बल्ला बल्ला शहर. छोटी छोटी बातें. छोटी छोटी बातें. And now look at my face. होती रहती है. होती रहती है.
काजोल आ गई। आई एम काजोल, यू शाहरुख खान। शाहरुख खान का गाना लगा दीजिए। God bless the couple. So guys, एक बार ब्रावो और रवीना के लिए जोरदार तालियां। रवीना, thank you so much for coming. Bravo, thank you so much. We had a great time with you. I hope you enjoyed. Yes, evening. I do. I really enjoyed. So it's your first time to any Indian TV show, right? Yep. Bravo. So is it your first time to any Indian TV show, right? Yes, definitely. It's my first time and it's a pleasure to be here in the midst of you all. I'm going to take my wife back home. Is this okay? Thank you so much, Bravo. I have to say something. Yes, yes, please. You know, you meet a lot of sports people, but to be on a show like this and to be truly sporting, hats off to you, yeah. You were brilliant. Really. You were very sporting and really, well done. And you are really very beautiful. Beautiful and right. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। बिफोर ब्रावो एंड रवीना लीव्स, आई वुड लाइक टू हैव ए सेल्फी विद यू गाइस। कम कम पाजी। आओ दामाद जी। ए तू पास आ इनके। Thank you, bravo.